परेशान था भी कम हो गया, क्योंकि जिस तरह एक मजदूर बंदा है या एक तनहादार बंदा है जिस तरह जिसकी तनहा है 30,000 40,000, तो वो बंदा पहले एक अंगूठी लेता था वो मिलती थी 10,000 की, अब वो अंगूठी होगी 25,000 की, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा करके बना लेते थे बेटी के लिए बेटे के लिए थोड़ा बहुत कर करा के, हमारा परचून का काफ़ी घाट था वो कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। शादी ब्याह पे जो मतलब 10-20 तोले का ऑर्डर था जिनका उनका 5 तोले पे आ गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें बुरान आया है सोने के काम में, बहुत ज़्यादा एवरेज आने को आए तो 10 भी आते हैं, ना आने को आए तो 2 भी नहीं आते हैं। कोरोने के असरा भी बहुत सारे पड़े हैं, क्योंकि कोरोने की वजह से भी सर बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम जो नाकी हुई है हमारी, बहुत ज़्यादा कम हो गई। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जो बड़ा है ना वो डबल बड़ा है, अब जो 2-4 हज़ार से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 50,000 से 1 लाख के ऊपर चला गया है, अब 2-4 हज़ार कम होने से कोई इसका मतलब फ़ायदा नहीं है। ये जब से रेट ज़्यादा हुए हैं इसके तकरीबन हो गए 2-3 साल हो गए इसको, बुनियादी वजह तो सारी बात यही है कि मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ी है तो डॉलर पे वो है, जब तक मुल्क की इकोनॉमी आपकी सही नहीं होती तो तब तक सोना तो नीचे नहीं आता किसी सूरत भी। उस टाइम 1.32 पे रेट गया था, ठीक है ना, फिर वो आस्ते आस्ते उन्होंने निकाल दिया सोना, ठीक है हम खसारे में जा रहे हैं लेकिन तकरीबन तकरीबन ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट जो हमें पहले मिलता था उस तरह का मिल नहीं रहा। अच्छा, जितना हम पहले प्रॉफिट से हमारा आता था उतना नहीं आ रहा। आप सोने का कारोबार कर रहे हैं, मार्केट को मंडी को आप समझते हैं, आएगी या नहीं? हाँ जी आएगी। कहाँ तक तवक्को है? तकरीबन आएगी 1 लाख तक, 90,000 तक आएगी। आएगी ये कब तक? ईद तक या ईद के बाद? ईद के बाद। ईद के बाद आएगी और ईद तक जो है वो लाख तक आ जाएगी? हाँ जी। अच्छा, उसकी वजह क्या है जो नीचे आ रही है? आर्मी मंडी में सोना डाउन हो रहा है इसलिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का एक कल्चर है यहाँ जो चीज महंगी हो जाए दोबारा कभी सस्ती नहीं होती, आपको पता है इस बात का? हाँ जी। तो फिर किस तरह आपको मिल जाएगी सस्ती होगी? चलो उम्मीद है आएगी नीचे। सही होगी।